नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू CUET BHU स्टडी कैपिटल। माय नेम इज शैलेश यादव एंड आई एम हेयर टू टीच यू एग्रीकल्चर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न है, क्या है सिलेबस, क्या कैसे एग्जाम होगा, क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसमें चेंजेस हुए, उसके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, उसके सिलेबस में, पैटर्न में, उसके बारे में आज हम मेनली डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको कोई भी न्यू अपडेट दें तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज जैसा कि मैंने बताया, हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, मेनली बी एस सी ए जी कोर्स में क्या चेंजेस हुए, CUET से क्या उसका पैटर्न रहने वाला है, आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, सारी चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। एक तरह से कह लीजिए कि एक ओवरव्यू है ये, ठीक है, पूरा कोर्स का। तो जैसा कि जो बी एस सी ए जी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको पता होगा कि ये 4 साल का कोर्स है, ठीक, 4 साल की डिग्री मिलेगी, आप 4 साल ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद बी एस सी जी की डिग्री मिलेगी। तो पहले क्या था कि पैटर्न कुछ अलग थे, ठीक, एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब CUET आने के बाद वो पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, और कल तक की एक नई अपडेट आई है स्पेशली बी एस सी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं अभी सिलेबस का, ठीक, जो कि सिलेबस में क्या रहने वाला है इस साल CUET में। कि पहले था कि हमको 11, 12 सारा कुछ कवर करना रहता है, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है। केवल 12th बेस्ट पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 12th का सिलेबस है केवल वही पढ़ना है, ना 11th का पढ़ना है, ना उसके आगे का, ना उसके पीछे का, केवल 12th का, और उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन आएंगे। उसमें कवर क्या क्या करना है आपको, ये आपको पूरा PDF मैंने डाउनलोड ही किया है, आप उसके साइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला है Unit 1, उसमें एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, उसके अंदर ये दिया हुआ है क्या क्या उसके अंदर पढ़ना है, आप डिटेल में डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ये लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है, स्कोप है इंपॉर्टेंस, केयर मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये लाइव स्टॉक का ये है, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक, क्रॉप प्रोडक्शन में आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें, सॉइल फर्टिलिटी, सॉयल फर्टिलाइजर, मैन्योर, इरीगेशन, ड्रेनेज, वीड कंट्रोल, क्रॉप, लगभग सभी कुछ है। हॉर्टिकल्चर है, इसमें भी सारे हॉर्टिकल्चर की जितनी चीज़ें हैं सारी आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये है 12th का सिलेबस, और केवल आपको इसी को फॉलो करना है, और इसी के बेस पे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस। अब आते हैं मेन चीज जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान कर रही है, या फिर डाउट होगा मन में कि पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार। सिलेबस तो पता चल गया कि 12th का पढ़ना है, ठीक है, पढ़ लेंगे, लेकिन पैटर्न क्या होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आइए उस पर डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं ओल्ड पैटर्न, जो BHU का ओल्ड पैटर्न था, क्या था, एक सेक्शन में रीजनिंग करनी रहती थी आपको, एक में केमिस्ट्री, एक में रहता था फिजिक्स मैथ, एक में रहता था बायोलॉजी, और एक में रहता था एग्रीकल्चर, ऐसे रहता था। ये आगे पीछे हो सकता है, कोई पहले कोई बाद में, तो ये दोनों सेक्शन तो आपको कंपलसरी रहते थे कि करने ही करने हैं, बाकी इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन रहता था। तो ये था हमारा ओल्ड पैटर्न, ठीक, जो BHU का था ऐसे। अब CUET आने के बाद क्या हो गया है, जो न्यू पैटर्न है, न्यू में क्या है कि अभी कुछ दिन पहले तक जो आया था उसमें यह था कि PCM कीजिए, PCB कीजिए, या फिर PCA कीजिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, ये कीजिए, ठीक। ये अभी कुछ दिन पहले तक का आया था CUET में, यही था। लेकिन कल का जो अपडेट आया है उसमें क्या आया है, वो केवल एग्रीकल्चर जो ऑप्शन चूज करेंगे उनके लिए है कि PCA यानी कि ये हो गया बायोलॉजी जो कहिए बायोलॉजी, ये हो गया केमिस्ट्री, और ये हो गया एग्रीकल्चर। तो इसमें आया क्या है कि जिनको भी अगर एग्रीकल्चर ऑप्शन चूज करना है एंट्रेंस एग्जाम में, तो उनको बायो वाला करना पड़ेगा,
या ये कह लीजिए कि एग्रीकल्चर करना है तो बायो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये आया है कल का अपडेट है, केवल एग्रीकल्चर ऑप्शन के लिए, बाकी ये तो है ही है। अगर आप मैथ से हैं तो आप पीसीएम कर लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लीजिए, बायो से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर लीजिए। ये पहले का था जो कि अब ये ऐसा हो गया है। ठीक, तो बायो वालों के लिए तो या ये कर लिए, बायो वाले ये कर सकते हैं, मैथ्स वाले भी कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स वाले अगर इस पे जाएंगे एग्रीकल्चर करने तो उनको बायो भी करना पड़ेगा। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, मतलब मैथ्स के हिसाब से, मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि मैथ्स फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगता है और इसमें टाइम का थोड़ा रहता है कि टाइम बचा के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए जाए, तो वो एग्रीकल्चर पे जाते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर में जाने से उनको फिर इस समय नुकसान ये होगा कि बायो भी पढ़ना पड़ जाएगा। तो फिलहाल तक की अपडेट यही है, बाकी अगर कुछ न्यू अपडेट आती है, हमको लग रहा है कि आना चाहिए, आएगी तो हम लोग अपडेट कराएंगे। और बाकी और डिटेल में आपको पैटर्न के सिलेबस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं सीयूटी से रिलेटेड, आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं। तो ये न्यू पैटर्न ये रहा, ओल्ड पैटर्न ये था। तो फिलहाल आपको ये फॉलो करना है ये वाला, और इसको दिमाग में रखना, यही जो आएगा आएगा, अभी तक की यही अपडेट है। बाकी जो कुछ आएगा तो हम आप लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बुक्स के बारे में। ठीक, सब कुछ हो गया, सिलेबस पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है, पैटर्न क्या होने वाला है, लेकिन पढ़ें कहाँ से, क्या क्या चीज़ें पढ़ें। तो उसमें पहले मैं जनरल बता दे रहा हूँ कि कोई बुक एक ले लीजिए आप, एक बुक है आप, तो नाम है उसका नेम राज सुंडा। ठीक, एक एक ये बुक ले लीजिए आप, दूसरा अरिहंत, अरिहंत की बुक आती है वो आप ले लीजिए। ये दो बुक पर्याप्त हैं आपके बीएससी एमजी के प्रिपरेशन के लिए, ये पर्याप्त है। इसमें आपको लगभग पूरा कंटेंट एक प्रिसाइज फॉर्म में मिल जाएगा एक जगह। ये बुक भी अच्छी है, दोनों बुक आप प्रीफर करिए। ठीक, और इसे तैयारी कीजिए अच्छे से। बाकी हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं पेड कोर्सेज में, आज से हमारे कोर्स शुरू हो रहे हैं, आप इनरोल करा सकते हैं। नीचे हम आपके स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पे मैसेज करके कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और हम जो पढ़ने वाले हैं पेड कोर्सेज में, जो आपको मिलेगा कंटेंट, इतना तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, आपकी पूरी की पूरी तैयारी होगी। ठीक है, बाकी कोर्स से कोई भी रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ जनरल ओवरव्यू था एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो भी चेंजेस हुए हैं पैटर्न में क्या है, कोर्सेज में क्या है। देखिए, कोर्सेज में हम जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं कि सारा कुछ प्रिसाइज फॉर्म में कवर होगा, मतलब सिस्टमेटिक वे में आपको नोट्स पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेंगे, नोट्स पीडीएफ प्रैक्टिस सेट लाइव सेशन डाउट सेशन सब होगा। तो वो सिस्टमेटिक वे में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, जो कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सब कुछ ऐसे फ्री में दे दें, तो वो आपको पेड कोर्सेज में ही मिलेंगे। अगर आपको पेड कोर्सेज में ज्वाइन होना है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट कीजिए और इनरोल हो जाइए। तो कुछ थे, तब तक ये कुछ अपडेट्स थे हमारे तरफ से, और बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।